कंजहित में दुर्घटना में स्कूल जा रहे छात्र की घटना स्थल पर मौत पर नाराजगी। NH 233 पर गुरुवार की सुबह लगभग 8 बजे एक अनियंत्रित ट्रक ने स्कूल जा रहे एक छात्र की साइकिल में टक्कर मार दी, जिससे छात्र की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक रोककर उस पर सवार एक व्यक्ति को पकड़ लिया। मृतक छात्र अमन कुमार गौतम उर्फ वी कुमार गौतम पुत्र अमरदेव साकिन कंजहित की मौत के बाद उत्तेजित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया, जिन्हें पुलिस द्वारा समझा बुझा कर किसी प्रकार जाम को समाप्त कराया गया। बताया जा रहा है कि वो अपने घर से साइकिल लेकर स्थानीय DPS इंग्लिश मीडियम स्कूल जा रहा था, तभी दुर्घटना का शिकार हो गया तथा उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उक्त हादसा ट्रक की तेज रफ्तार के कारण हुआ और छात्र की जान चली गई। ट्रक को लोगों ने रोक लिया और ट्रक पर सवार व्यक्ति की पिटाई भी की गई। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आजमगढ़ वाराणसी राजमार्ग को करीब एक घंटे तक जाम लगा दिया। पुलिस ने पहुंचकर समझा बुझाकर जाम को किसी प्रकार समाप्त करवाया। मृतक अमन कुमार गौतम उर्फ वी गौतम कक्षा 9वीं का छात्र था। वो दो भाइयों में बड़ा बताया जा रहा है। उसका एक छोटा भाई अभी मात्र 2 वर्ष का है। पुलिस ने को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 233 के निर्माण के बाद सड़क दुर्घटना में काफी वृद्धि हो गई है। आपको बता दें, अंडरपास और ओवरब्रिज का निर्माण कम होने के कारण लोगों को सड़क पार करने में काफी समस्या उत्पन्न हो रही है और दुर्घटना का खतरा भी लगातार बना रहता है। आज हुई दुर्घटना में मृतक छात्र अमन कुमार गौतम उर्फ वी कुमार गौतम पुत्र अमरदेव साकिन कंजहित की मौत के बाद उत्तेजित ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया, जिन्हें पुलिस द्वारा समझा बुझाकर जाम को समाप्त कराया गया। बताया जा रहा है कि वो अपने घर से साइकिल लेकर स्थानीय DPS इंग्लिश मीडियम स्कूल जा रहा था, तभी दुर्घटना का शिकार हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।